मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही थी और वॉमिटिंग आती थी, तो मैं ENT वाले डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे देखा लेकिन मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने मेरे एंडोस्कोपी की, उसमें उन्होंने मुझे इसोफेगस में कैंसर बताया और मुझे उसका ट्रीटमेंट आगे कराना था। तो उस कैंसर के इलाज के लिए मैं अहमदाबाद जाइडस हॉस्पिटल में आई। इसके पश्चात हमने मालूम किया अहमदाबाद में हम इलाज कराएं तो कहाँ पर इलाज सबसे बढ़िया होगा, और हमारे फ्रेंड्स और मिलने वालों ने यह सजेस्ट किया कि अहमदाबाद में जाइडस कैंसर सेंटर एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो हम यहाँ पर आए और डॉक्टर पंकज शाह सर और डॉक्टर मिथुन शाह सर से कंसल्टेशन किया। उन्होंने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने आगे मुझे इन्वेस्टिगेशन किए, उसमें मुझे किडनी में भी ट्यूमर निकला। दो कैंसर एक साथ में होना बहुत ही अनकॉमन बात है, और ख़ास तौर से जब दोनों ही क्यूरेबल हों तो ये तो बहुत ही अनकॉमन है। तो जब दो कैंसर एक साथ में होते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें से कौन सा कैंसर तेज़ी से बढ़ने वाला है और किसको पहले हम लोगों को ट्रीट करने की ज़रूरत है। उस ट्यूमर का इलाज कौस्तव पटेल ने किया और वह ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर पंकज शाह और डॉक्टर मिथुन शाह ने उसके पश्चात यह निर्णय लिया कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी द्वारा ईसोफेगस कैंसर का इलाज करेंगे, और उन्होंने डॉक्टर संदीप जैन सर के पास हमें रेफर किया। उसके बाद हम डॉक्टर संदीप जैन से मिले, उन्होंने ईसोफेगस का रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट किया और वो भी सक्सेसफुल रहा, और पंकज शाह और मिथुन शाह ने कीमोथेरेपी किया, वो भी सक्सेसफुल रहा। पेशेंट का रेडिएशन और कीमोथेरेपी 1.5 महीने तक चला फूड पाइप के कैंसर के लिए, और 3 महीने के बाद में अभी जो पैट स्कैन हुआ है उसमें वो एकदम स्वस्थ हैं, दोनों ही उनके कैंसर कंट्रोल में हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि कैंसर का इलाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराने की कोशिश करें, और कैंसर एक बीमारी है लेकिन इसका इलाज है और इससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, जैसे कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पे पेशेंट कई बार एक कैंसर के नाम से डरते हैं, यहाँ पे दो दो कैंसर भी हुए और भी इसके बाद भी क्योर हम लोग दे पाए और पेशेंट एकदम ही स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ कैंसर सेंटर में बहुत बढ़िया रहा है। सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, सभी ने बहुत अच्छी सर्विसेज दी है। मैं थैंक्स कहती हूँ जाइडस हॉस्पिटल के उन डॉक्टर्स को जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। थैंक यू टू जाइडस कैंसर सेंटर।